सीधा साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा डालो ना, क्या प्रॉब्लम। ये साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा, अच्छा ठीक है सर। नहीं तो ब्रेक करना चाहते हो तो साइन थ्री थीटा फॉर्मूला डालो, साइन टू थीटा फॉर्मूला डालो, बट बेटर गो फॉर साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा। यस सर। तो इवन ऑड दो केसेस लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड में आपको थीटा मिलेगा, हाँ तो एक केस इवन केस ऑड केस लेना पड़ेगा। साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा तो सोल्यूशन क्या होता है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा जनरल सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्व मीन्स जनरल सोल्यूशन। थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 इंटू पावर एन इंटू अल्फा। तो थ्री थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू दी पावर एन इंटू अल्फा, तो थीटा दोनों के साइड में टू मतलब थीटा रहा ना, क्या तो है? आपको थीटा का वैल्यू निकालना है, तो दो केसेस लेना पड़ेगा। केस वन, लेट एन इज एन इवन, मीन्स एन के जगह आप अच्छा टू के ले लो, तो ये आपको क्या मिलेगा, थ्री थीटा इज इक्वल टू टू के पाई, ये प्लस हो जाएगा प्लस टू थीटा, इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू टू के पाई, पर के बिलोंग्स टू इंटीजर, ये एक सोल्यूशन हुआ। केस टू, लेट एन इज एन ऑड, मीन्स एन को मैंने टू एम प्लस वन रख रहा हूँ, तो थ्री थीटा हो जाएगा टू एम प्लस वन इंटू पाई, माइनस टू थीटा होगा, इम्प्लाइज आपका फाइव थीटा इक्वल टू ऑड पाई, थीटा क्या होगा, टू एम प्लस वन अपॉन फाइव इंटू फाइव बाई फाइव, कैसे? पर एम बिलोंग्स टू इंटीजर, तो दो सेट का यूनियन रखना पड़ेगा फाइनल आंसर में। सर मैं रिज्वाइन कर सकता हूँ? आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? हाँ अभी ओपन है, आंसर हो जाएगा क्या, थीटा इज इक्वल टू टू के पाई यूनियन टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई फाइव, पर एम के बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर। यस सर। और फाइव साइन एक्स प्लस सिक्स साइन टू एक्स प्लस फाइव साइन थ्री एक्स प्लस साइन फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो, ऐसे टाइप का क्वेश्चन ट्रिगो फर्स्ट चैप्टर में किए थे। तो ये कोएफिशिएंट अलग दिया गया,
यहाँ पे 5 6 इधर 1 हो गया, इधर 6 होगा भी चलेगा, नहीं तो 4 sin 4x होता तो वो हो जाता। ठीक है, नहीं तो साइन एक्स कॉमन जाएगा बोरा, साइन टू एक्स क्या होता है, टू साइन एक्स कॉस एक्स, साइन थ्री एक्स क्या होता है, थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स, तो उसमें भी साइन साइन एक्स कॉमन जाएगा, साइन फोर एक्स क्या होता है, टू साइन टू एक्स कॉस टू एक्स, फिर उधर से भी साइन एक्स जाएगा ना, साइन फोर एक्स यू कैन राइट टू साइन टू एक्स इंटू कॉस टू एक्स, साइन टू एक्स अगेन ब्रेक करोगे तो ये होगा टू साइन एक्स कॉस टू एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस टू एक्स। सर साइन एक्स और थ्री एक्स में ट्रांसफॉर्मेशन भी तो लगा सकते हैं ना, साइन एक्स और साइन थ्री एक्स में ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ वो लगा होगा तो फिर साइन टू एक्स कॉमन चला जाएगा, हाँ, हाँ. अच्छा साइन फोर एक्स से साइन टू एक्स कॉमन, और उसके बाद टू कैंसिल हो जाएगा, हाँ, साइन टू एक्स कॉमन जाएगा पूरा, हाँ, ये दोनों से फाइव कॉमन हो गया तो साइन सी प्लस साइन डी कितना होगा, टू साइन फाइव इंटू टू टेन हो गया, टेन साइन टू एक्स सी प्लस डी बाई टू, टू एक्स इंटू कॉस कॉस एक्स कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई, then plus 6 sin 2x, इसमें हम करेंगे 2 sin 2x cos 2x, become 0, तो sin 2x equal to common, 2 sin 2x common ले लो, कॉस्ट वाला टर्म कौन से वाले साथ है एक बार बता दो, अच्छा चो वो 5 और 3 को ऐड करोगे ना, प्लस 6 इसमें कॉस्ट 2x बचा, कॉस्ट 2x को कॉस में ब्रेक करो, प्लस 3 आएगा सर, सर प्लस 3 आएगा, कॉस्ट 2x बचा, कॉस्ट 2x को कॉस में कन्वर्ट करो, 2 cos square x minus 1, ठीक है, that implies sin 2x 0 होगा, और आपका ये 2 cos square x plus 5x 5 cos x plus minus plus 2 become 0, correct, multiplication 4 sum is the 5 quadratic of cos x, ये हो जाएगा 2 cos square x प्लस 4 cos x, 4 cos x प्लस cos x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2 cos x प्लस 1, 2 cos x कॉमन जाएगा प्लस 1 इनटू cos x प्लस 2, हाँ बिकम 0, दैट इंप्लाइज cos x इज इक्वल टू माइनस हाफ और cos x इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस टू नॉट पॉसिबल, ये होगा और एक ये होगा, तो कॉस साइन थीटा इक्वल टू 0 जनरल सॉल्यूशन, क्या होता है सर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 2 x शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, नहीं हां जनरल सॉल्यूशन n pi 2x is equal to n pi
then x is equal to n pi by 2, where n belongs to integer. ये एक मिला cos x is equal to minus half. Minus half cos का कौन सा वैल्यू 2 pi by 3. तो cos theta equal to cos alpha. Theta is equal to formula 2 pi plus 2 pi by 3. ओके ये एक सॉल्यूशन बस सर 2 के पाई क्यों ले हम लोग क्या हुआ इवन लेना वैल्यू एन के जगह इवन रखा 2 के पाई लिया इसलिए तो 2 एन पाई था ना फॉर्मूला तो 2 एन पाई मैंने n के जगह k रखा क्योंकि दोनों n फिर मिक्स होगा ना अच्छा ये फॉर्मेट होता है कि जरूरी नहीं कि मैं n के जगह जो सपोज n के जगह 1 डालूंगा इधर क्यों 1 डालूंगा जरूरी है क्या मैं इधर n के जगह 10 भी डाल सकता हूं बट आप जब n रखते हो दोनों में तो आपका कॉम्बिनेशन क्या होता है ऐसा होता है n पाई बाय 2 यूनियन सपोज आप रख दिए इधर 2n π + -2π/3 ये रखे तो इसमें क्या होगा यहाँ पे जो n डालोगे इसमें वही n डालना पड़ेगा क्योंकि दोनों n रख दिए तो यहाँ पे n जीरो रखोगे तो इधर भी n जीरो रखना पड़ेगा हाँ बट ये सॉल्यूशन डिपेंडेंट नहीं है इंडिपेंडेंट इसलिए अदर देन n रखा जाता है ताकि आप इधर n के जगह 2 रख के इधर n के जगह 100 रख सकते हो ये लॉजिक है इसलिए अलग अलग रखा जाता है नहीं दोनों को सेम n रखे हुए बुक में देखोगे तो दोनों सेम n रखा गया बट रखने से क्या होता है हम जब यूनियन फॉर्मेट में रखते हैं अलग अलग रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसा रख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा बट ऐसे फॉर्मेट में जब रखोगे आंसर को तो इधर जो n डालना पड़ेगा इधर वही n डालना पड़ेगा वो दिक्कत होता है समझा हाँ सर इसलिए इसको अलग फॉर्मेट में रखा जाता है एन रखोगे तो चलेगा ऐसा कुछ ये नहीं ज्यादा ये नहीं सर थोड़ा ऊपर कर सकते डन हाँ सर ओके cot theta equal to tan 8 theta इसमें क्या प्रॉब्लम है तो tan 8 theta तो cot theta को लिख दो tan of pi by 2 minus theta
टेन थीटा इक्वल टेन अल्फा ना, बट इसमें कंडीशन रहेगा आपका कोई अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, माने कॉट थीटा का वैल्यू जीरो फॉर्मेट में कहीं पे नहीं आना चाहिए, एंड एट थीटा भी ऐसा मतलब ऑड पाई बाय टू फॉर्मेट में नहीं आना चाहिए, थीटा एन पाई फॉर्मेट में नहीं आना चाहिए, इसके केस में एट थीटा ऑड पाई बाय टू फॉर्मेट में नहीं आना चाहिए, वो देखते हैं बात है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा मिला, तो एट थीटा क्या होगा एन पाई प्लस माइनस, हाँ एन पाई प्लस माइनस सर, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, टेन थीटा का टेन अल्फा, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा सॉल्यूशन, सॉरी सर एन पाई प्लस अल्फा अल्फा, ये थीटा इधर ले आओ, क्या होगा मुझे थीटा चाहिए ना, तो नाइन थीटा हो गया टू एन प्लस वन इंटू फाइव बाई टू, तो थीटा क्या हो जाएगा टू एन प्लस वन फाइव इंटू ए होगा ना, हाँ सर। अच्छा ये तो हमेशा ऑड होता है और ये इवन हुआ तो एन पाई फॉर्मेट दे नहीं पाएगा, आपका थीटा क्या होना है, थीटा इज नॉट इक्वल टू एन पाई होना चाहिए, एट थीटा इज नॉट इक्वल टू एट थीटा ऑड ऑड पाई बाय टू, ये भी नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ होगा तो होगा, तो थीटा तो एन पाई फॉर्मेट कभी नहीं आ पाएगा क्योंकि ये ऑड ये इवन कैंसिल कभी मतलब डेफिनेट डिनोमिनेटेड टू ये रहेगा, ओके बट ये फॉर्मेट आ सकता है कि नहीं आ सकता है, थीटा इज इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू फाइव बाय सिक्सटीन, ये फॉर्मेट आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ऑलरेडी फाइव बाई एटीन हो गया तो फाइव बाई सिक्सटीन नहीं आएगा ना, नहीं सर, ठीक है तो देन दिस इज द आंसर मतलब एट सीधा लिख, तो दिस इज द आंसर। Those are coming late. Next time, say be careful. I'm not allowed. Cos x, cos 2x, cos 3x is equal to 1 by 4. ऐसा क्वेश्चन हुआ था फर्स्ट चैप्टर में, कॉस एक्स सर वो आपने फॉर्मूला दिया था ना, नहीं नहीं वन बाय फोर में कहाँ फॉर्मूला दिया था,
हमने ऐसा क्वेश्चन था ना, cos x cos 60 minus x cos 60 plus x is equal to 1 by 4 cos 3x. अच्छा वो सेटिस्फाई हो रहा है क्या? नहीं मैं वो उससे उसके साथ कंपेयर कर रहा था लेकिन फिर नहीं हुआ सर. ये तो आपने डायरेक्ट करने को बोला था ना, जो राइट साइड 1 को हटाने के लिए. हाँ जीरो करने के लिए सर आपने ऐसे ही किया. इसके साथ ये रखता हूँ तो ये मेक इट 2 इनटू cos x cos 3x into cos 2x is equal to 1. इसमें डालो 2 cos a cos b. cos a plus b. 2 cos 2 cos a cos b. Oh, sorry, cos of 4x plus cos of 2x. cos a plus b plus cos a minus b. Into cos 2x is equal to 1. ये हो जाएगा 2 cos 4x plus 2x plus 2 cos square x. No, cos square 2x minus 1. 1 को लेफ्ट साइड ले लिया. जरूरत नहीं है ना सर, पर हम लोग को पता है ना 2 cos square cos 4x कॉमन ले लोगे. ठीक है चलेगा. व्हिच इज द 2 cos 4x into cos 2x. ये आपका cos 4x. 4x हाँ वो बोल रहे थे. Equal to 0. तो cos 4x you can take common. Then 2 cos 2x plus 1 became 0. That implies cos 4x 0 होगा और cos 2x is equal to minus half होगा. Cos कहाँ पे 0 होता है? So 4x is equal to 2n plus 1 into pi by 2 or ye hoga aapka cos 2 pi by 3. Abhi abhi kiye the. So 2x hoga 2k pi plus minus 2π/3. तो 2 कैंसिल हो जाएगा. x is equal to k pi plus minus pi by 3. ये एक सॉल्यूशन और एक आपका x वाट 2n plus 1 into pi by 3. ठीक है. समझा? यस सर. एन के पोथ बिलोंग्स टू
डन। सॉल्व साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1।
एनीथिंग एल्स? नहीं सर, एन पाई बाय टू यार, एन पाई बाय टू। दोनों सेम है, ये जो है ये वही है। आपका एन पाई मतलब एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस दो जगह आ रहा है। हाँ। और पाई बाय टू मतलब वाई एक्सिस, दो दो जगह आ रहा है। एन पाई बाय टू का मतलब वही होता है, एन के जगह जीरो डालो जीरो, वन डालोगे पाई बाय टू, टू डालोगे पाई होगा, थ्री डालोगे थ्री पाई बाय टू होगा। सर, तो ये दो सॉल्यूशन जो है इसका कंबाइंड सॉल्यूशन यही होता है। अच्छा सर, दोनों में गलत है। हाँ बिल्कुल गलत सर, टू एन पाई आएगा, टू एन पाई और एन पाई प्लस पाई बाय टू। ये हाँ सर, इसको मैंने थीटा को थीटा बाय टू, टू टू इंटू थीटा बाय टू करके किया तो ये आया। हाँ सर, वो टू एन पाई प्लस पाई बाय टू ही है। आपको जो ये चार सोल्यूशन आया एक बार चेक करो, यहाँ पे साइन क्या होता है? जीरो जीरो कॉस वन, तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, ये सोल्यूशन में आ रहा है। यहाँ पे साइन क्या होता है? वन कॉस जीरो, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। यहाँ पे साइन ये दोनों सोल्यूशन में नहीं है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप कहीं ना कहीं स्क्वायर किए। हाँ सर, मैंने स्टार्टिंग में स्क्वायर कर लिया। अब क्या किए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। अच्छा ये किया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 होता, स्क्वायर करेंगे भी ए ही मिलेगा ना। हाँ सर। तो आपको जब आप स्क्वायर करते हो ना, यू विल गेट एक्सट्रानियस रूट्स, these are called extraneous roots, क्योंकि आप प्लस वन का सोल्यूशन मिला, माइनस वन का भी सोल्यूशन मिला। देखो मैंने जो दो सोल्यूशन काटा था ना, वो माइनस वन का ही सोल्यूशन था। हाँ सर। So there is a restriction, try to avoid squaring both the sides. मैं पूरा नहीं बोल रहा कि कभी भी मत करना, try to avoid squaring both the sides, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई केस में आपको करना पड़ेगा। ओके, सपोज 2 प्लस अंडर रूट साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, लेट अस टेक, तो एक केस में आपको करना पड़ेगा, और अदरवाइज आपको साइन थीटा यू हैव टू राइट टैन थीटा माइनस 2, तो स्क्वायर करना पड़ेगा, अदरवाइज सोल्यूशन निकल नहीं मिलता है। ठीक है, और इसमें कंडीशन क्या रह जाएगा, साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल जीरो, अदरवाइज अनडिफाइंड नहीं होगा ना, समझे कि नहीं? तो आप स्क्वायर करने के बाद वो कंडीशन नहीं रहता है ना। वंस यू स्क्वायर, आपको साइन थीटा ओपन दिखेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब
ये स्क्वायर देखोगे तो फिर बोल पाओगे कि साइन थीटा पॉजिटिव होना चाहिए, बट एक केस में आपको स्क्वायर करना पड़ेगा. ओके दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग ट्राई टू अवॉइड स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स. तो स्क्वायरिंग करेंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे, हाउ टू सॉल्व. तो ये फॉर्मेट में बहुत पहले दे चुका हूं, इफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी, क्या किया जाता है, कोई भी क्वेश्चन पर होता है, मतलब कोई भी कभी भी a sin theta plus b cos theta equal c रहता है तो always divide, for this case divide both the sides by under root a square plus b square. ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन जो था आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू वन, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा बाय रूट टू डिवाइड बोथ दी साइड्स बाय रूट टू करना पड़ेगा. तो इसको आप लिख सकते हो साइन थीटा प्लस फाइव बाय फोर लिख सकते हो, साइन थीटा कॉस फाइव बाई फोर प्लस कॉस थीटा साइन फाइव बाई फोर, और यू कैन राइट कॉस थीटा माइनस फाइव बाई फोर, ये भी लिख सकते हो कॉस थीटा कॉस फाइव बाई फोर प्लस साइन थीटा साइन फाइव बाई फोर. सर फाइव बाई फोर माइनस थीटा नहीं लिख सकते ना? हाँ लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हो फाइव बाई फोर माइनस थीटा भी लिख सकते हो. ठीक है, तो साइन एंड कॉस में कौन सा फॉर्मूला है जी? साइन. क्यों सर? कॉस ही जीरो. साइन फॉर्मूला क्या होता है? अब थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू दी पर एन इनटू अल्फा. कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा. इसमें भी दो केसेस लेना पड़ेगा, इसमें केस लेना पड़ेगा ऑड एंड इवन, इसमें केस लेना पड़ेगा प्लस एंड माइनस. तो इजी कौन रहेगा? तो डिपेंड करता है ना कैसे. प्लस माइनस वाला इजी रहेगा रादर देन ऑड एंड इवन. ऑड एंड इवन के लिए फिर आपको ऑड के लिए 2k लेना पड़ेगा, इवन के लिए सॉरी 2k प्लस 1 लेना पड़ेगा, ये 2m रखना पड़ेगा. तो कॉस फार्मूला मोर इजी देन साइन फार्मूला, देन गो फॉर कॉस रादर देन साइन. तो इसमें 1 बाय रूट 2 कितना होगा? कॉस ऑफ 5 by 4. Now cos theta equal to cos alpha. Theta, theta मतलब theta minus 5 by 4 is equal to 2n pi plus minus 5 by 4. Okay. हाँ sir. तो एक केस लेना पड़ेगा. Theta equal to 2n pi. Positive. Okay. Taking plus sign. तो थीटा क्या मिला? 2n पाई प्लस 5 बाई 4 प्लस 5 बाई 4 प्लस 5 बाई 2. ठीक है, टेकिंग नेगेटिव साइन. तो ये माइनस 5 बाई 4 दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा. 2n पाई, 2n पाई और 2k पाई. ठीक है, n k belongs to integer. अब चेक करो 2n pi plus pi by 2 कहाँ पे होता है? पॉजिटिव y एक्सिस इसमें होता है. 2k pi क्या होता है? पॉजिटिव एक्सिस. यही दो जगह हमें मिला था आंसर, चेक करो. हाँ सर, बाकी दोनों में नहीं मिला था, तो यही दो आंसर मिला. समझा? हाँ सर. सो देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन,
जैसा रेस्ट्रिक्शन था कि आप कैंसिल कर नहीं पाओगे, ट्राई टू अवॉइड कैंसिलिंग बोथ द साइड्स अनलेस अदरवाइज इट इज नॉन जीरो क्वांटिटी, तो इधर भी वही मतलब सिमिलर रेस्ट्रिक्शन, ट्राई टू अवॉइड स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। कभी भी आप स्क्वायर करते हो आपको एक्सट्रेनियस रूट्स मिलता है, तो आप स्क्वायर करोगे कर पाओगे, करोगे तो आपको वो रूट्स को फिर हटाना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा एक्सट्रेनियस रूट्स क्या आ रहा है, उसको फिर रिमूव करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा रूट मिलेगा। ठीक है, तो कभी ऐसे केस आएगा तो आपको कभी ऐसा sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c रहते हैं तो डिवाइड बोथ द साइड्स बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो यू विल गेट योर आंसर। फिर थीटा बाय 2 भी कर सकते हैं ना, वो तो लंबा जाएगा। थीटा बाय 2 कर सकते हो, tan थीटा बाय 2 कर सकते हो। Done. Yes, sir. ये 12th में क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको बाउंड्री क्वेश्चन दिया गया जो हम अभी तक किए नहीं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय रूट टू, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय रूट टू। ठीक है, तो कभी भी आता तो ऐसा फॉर्मेट में होता तो यू हैव टू मल्टीप्लाई डिवाइड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो तो रूल होता है। और आप इधर देखोगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम
वैल्यू के रेंज कितना? टू नहीं सर, वन ही होगा ना? नहीं, वन 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 क्या कर रहे हो आप लोग? मैक्स रेंज बोला ना, ओ मैक्स रेंज इस केस के लिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का रेंज क्या है? Range of sine theta plus cos theta is what? Minus 2 comma 2. बेटा पढ़ाई छोड़ दो, नहीं होगा। 1 to minus 1 to. Oh, minus. एक चैप्टर खत्म होता है, बाकी आप सब मतलब एक चैप्टर आप आगे जाते हो तो बाकी सबको भूल जाते हो। मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाया था सब माइनस वन टू वन, माइनस वन टू प्लस वन। सर साइन थीटा का क्या हुआ? साइन थीटा क्या करेंगे? सर माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी ना? बेटा साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? वन नहीं, वो स्वेयर्स बता। माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी साइन थीटा का सर साइन थीटा का माइनस वन टू वन होता है ना? कॉस थीटा का सर उसका भी वही होता है माइनस वन टू वन, माइनस वन टू वन। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का माइनस टू वन ना? माइनस माइनस वन टू वन, माइनस वन टू वन। हाँ अभी बोल रहा था माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, अभी बोल रहा है माइनस वन टू प्लस वन। सर ऐसे ही बोला मैं, ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही मजाक में सर। मजाक सर ये कैसे? कुछ भी है सर, माइनस टू सर इसका मतलब वो बाउंड्री को टच कर रहा है। तो कब होता है ये चीज? इसको बोलते हैं बाउंड्री क्वेश्चन, मतलब एक ही पॉइंट पर सेटिस्फाई करेगा और ज्यादा नहीं कर पाएगा। एक ही पॉइंट पर वो मैक्सिमम देता है, एक पॉइंट पर मिनिमम होता है, बाकी कहीं पे नहीं होता है। ओके सर। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का कब रूट टू होगा? पाई बाय फोर पर होगा। ओके और कहीं पे नहीं होता है, सिर्फ पाई बाय फोर होता है, मतलब इधर। तो आप घूम के जितने बार पहुंच जाओगे होगा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? 2n पाई बाय 4, 2n पाई प्लस पाई बाय 4, 2n पाई पाई बाय 4 के सॉरी सॉरी 2n पाई प्लस पाई बाय 4, ये होगा उसका जनरल सॉल्यूशन। नहीं आप ऐसे मार्क करोगे तो इमीडिएटली यू विल गेट आंसर 2n पाई प्लस पाई बाय 4। और नहीं आप मेथड के साथ जाओगे, मेथड क्या बोलता है? डिवाइड बोथ दी साइड्स बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस
वी स्क्वायर तो डिवाइड कर दो वन बाय रूट टू, सॉरी रूट टू डिवाइड कर दो वन। अभी अभी ये हुआ था कॉस थीटा माइनस पाई बाय फोर इज इक्वल टू वन। कॉस थीटा कब वन होता है जनरल सॉल्यूशन? सॉरी थीटा माइनस फाइव बाई फोर होगा टू एन पाई। तो थीटा क्या होगा? मिला वही सॉल्यूशन मिला? हाँ सर, जो हम डायरेक्टली लिखे थे कि 2n पाई प्लस पाई बाय 4 होगा। माइनस रूट टू होता तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कब माइनस रूट टू होता है सर? थर्ड क्वार्टर पाई पाई बाय 4 तो डायरेक्टली आपका आंसर हो जाएगा 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 4 नहीं तो 2n पाई माइनस 3 पाई बाय 4 इधर होता है, है ना? आप ऐसे घूमोगे तो 5 पाई बाय 4 तो आंसर हो जाएगा 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 4 नहीं ऐसे कोई घूमेगा तो वो लिखेगा 2n पाई माइनस 3 माइनस 3 पाई बाय 4 थर्ड वन। इसमें दिया गया cos raised to 50 minus sin raised to 50 is the one। इसको इधर ले लो। That implies cos to the power 50 is equal to 1 plus sin to the power 50। ये एक पॉजिटिव वैल्यू। हाँ सर, इसका मतलब ये टोटल क्या हो जाएगा? मोर देन इक्वल टू वन होगा। हाँ सर, कॉस का रेंज क्या है? कॉस का रेंज सर माइनस वन वन माइनस वन टू प्लस वन तो जीरो से वन होगा ना। कॉस रेस टू 50 का रेंज क्या होगा? कॉस टू दी पर 50 का रेंज कितना होगा? 0 से 1 0 to 1। तो लेफ्ट साइड बोल रहा है कि लेस देन इक्वल टू 1, व्हेयरएज राइट साइड बोल रहा है कि मोर देन इक्वल टू 1। हां सर, तो कब इक्वल हो सकते हैं सर? जब दोनों भी 0 दोनों 0 नहीं नहीं सर, मतलब आपका एलएचएस लेस देन इक्वल टू 1 साइन थीटा 1 हो, 0 सॉरी, एंड आरएचएस मोर देन इक्वल टू 1। LHS is equal to RHS कब होगा? दोनों वन होगा सर। दोनों वन, दोनों वन मतलब cos पर 51 होना चाहिए। एंड ये आपका जीरो जीरो होना चाहिए। एंड मतलब इंटरसेक्शन दोनों होना चाहिए एट ए टाइम, और नहीं और होगा तो ये भी होगा, ये होगा चलेगा, नहीं तो ये होगा चलेगा, बट ये यहाँ पे दोनों होना चाहिए। इसका मतलब साइन एक्स जीरो होगा,
साइन एक्स जब जीरो होता है कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा जब जीरो होता है कॉस थीटा क्या होता है, वन, सिर्फ वन, वन और माइनस वन, प्लस वन और माइनस वन, तो पावर फिफ्टी करेंगे तो प्लस वन ही होगा। हाँ सर कुछ भी कर दे। तो इफ साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो दैट इंप्लाइज कॉस एक्स इधर प्लस वन और माइनस वन, तो कॉस पावर फिफ्टी क्या हो जाएगा, वन, वन होगा। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन सीधा सीधा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कॉमन सॉल्यूशन। दैट मींस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस ओनली इफ साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जब साइन जीरो हुआ ये इसको सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। बट ये जब वन होगा, ये भी जब वन होगा इसको सेटिस्फाई करेगा। कॉस पावर 50 जब वन होगा तो कॉस एक्स प्लस वन और माइनस वन होगा, दैट टाइम साइन भी जीरो होगा। मतलब एक सॉल्यूशन दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है। तो साइन एक्स कब जीरो होता है, जीरो पे साइन एक्स जीरो सॉल्यूशन क्या होगा, एन पाई सॉल्यूशन होगा। समझा, कि नहीं? हाँ सर समझा। सर hmm. आपने वो लास्ट लाइन में क्या लिखा है, हेंस, हेंस के बाद वो हेंस सॉल्यूशन सर। अच्छा ओके e to the power cos x plus is equal to e to the power minus cos x plus 4. ये वैल्यू तो पॉजिटिव वैल्यू, e का पावर कुछ भी रखोगे पॉजिटिव होगा। हाँ सर। इसका मतलब राइट साइड मोर देन इक्वल टू 4? 4 हाँ। हाँ सर। नहीं इक्वल 0 भी नहीं होगा, इक्वल जीरो का भी होगा क्या, माइनस कॉस एक्स कॉस एक्स ना जीरो इक्वल। एक काम करते हैं इसको, ठीक है आप मोर देन फोर हो रहा है, फाइव हो जाएगा ना। हाँ नहीं नहीं नेगेटिव जाएगा तो फिर वन बाई ई आएगा। अच्छा हाँ सर वन बाई ई कॉस होगा, एक्चुअली फोर प्लस वन बाई ई से बड़ा होता है। ओके तो मैं लिख रहा हूँ मोर देन फोर, ठीक है। अच्छा कॉस एक्स का रेंज कितना, माइनस वन टू वन, माइनस वन से लेके प्लस वन। ई टू दी पर कॉस एक्स का रेंज कितना होगा, वन बाई ई से ई, वन बाई ई से लेके ई, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू ई, पर लेफ्ट साइड लेस देन इक्वल टू ई, राइट साइड मोर देन फोर। ई का वैल्यू कितना अप्रोक्सीमेट वैल्यू, 2.73 है ना, 2.7 वही था ना e का वैल्यू।
तो इसका वैल्यू मैक्सिमम 2.73 तक जा रहा है और राइट साइड मोर देन 4 हमेशा या इंप्लाइज व्हाट LHS is not equal to RHS. LHS कभी भी RHS के साथ इक्वल नहीं हो पाएगा. So this equation has no solution. समझा? हाँ सर. ये सबको बाउंड्री वाला क्वेश्चन बोलते हैं कि मतलब बाउंड्री पर होगा नहीं तो नहीं होगा, आपको रेंज चेक करके करना पड़ता है. ठीक है, नहीं ये नहीं हो रहा है तो आप इसको क्वाड्रेटिक भी बना सकते हो. e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस cos x इज इक्वल टू 4 तो e टू दी पावर नॉट x cos x तो e to the power let e to the power cos x को मैं t ले रहा हूँ. हाँ सर t. t तो minus 1 by t equal to 4. That implies t minus 1 by t is equal to 4. हाँ. Implies t square minus 4t minus 1 equal to 0. That अच्छा ये value कितना होगा e to the power cos x का range ये होगा. That implies t lies in between 1 by e से लेके e तक. ठीक है, तो अभी t का वैल्यू कितना हुआ माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a व्हिच इज प्लस 2 प्लस माइनस रूट 5. हाँ सर. तो एक हुआ t का वैल्यू 2 प्लस रूट 5 और 2 माइनस रूट 5. हाँ सर. ठीक है, 2 माइनस रूट 5 सेटिस्फाई कर सकते हैं. 2 माइनस रूट 5 नेगेटिव आ रहा है. अच्छा हाँ नेगेटिव कर रहा है. हाँ 2 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5 ग्रेटर देन 2.7 ग्रेटर देन 4 greater than 4 मतलब greater than e. e हाँ e. इसका मतलब t का रेंज से बाहर चला गया. हाँ सर. ये नेगेटिव आ गया, ये रेंज से भी बाहर चला गया. इसका मतलब दोनों जो t का वैल्यू मिला दैट इज द रेंज ऑफ आउट ऑफ रेंज ऑफ t. t का जो रेंज था 1 by e से लेके e तक, 1 by e मतलब greater than 0. ओके, और ये लेस देन 3, 3 से कम 0 से बड़ा होगा 3 से कम होगा. ये तो ऑलरेडी 4 मिला, 4 मिला तो क्या होगा मोर देन 4 मिला तो आउट ऑफ रेंज, रेंज के बाहर है. और ये लेस देन 0 मिला अगेन रेंज के बाहर है. ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा t था ना वो इसको सेटिस्फाई कर नहीं पाया तो नो सॉल्यूशन. ये भी कर सकते एट वन ऐसे क्वेश्चन दिया गया. इसका रेंज कितना टू टू दी पावर एक्स प्लस टू टू दी पावर माइनस एक्स का रेंज कितना
सर ई स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर नहीं टू माइनस टू स्क्वायर माइनस वन बाय टू और सर टू स्क्वायर वन प्लस वन बाय टू टू दी पावर एक्स प्लस टू टू दी पावर माइनस एक्स का रेंज वही एक दो बच्चे पढ़ाई करे और कोई नहीं पढ़ाई करो नहीं तो कुछ नहीं होने वाला ये और इसके ऊपर हम कम से कम 15-20 क्वेश्चन कर चुके हो क्या होगा रेंज सर टू टू इंफिनिटी होगा यस यू जे एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम कितने बार बोल चुका हूं एक्स प्लस वन बाय एक्स मोर देन इक्वल टू टू इफ x greater than 0 less than equal to minus 2 if x less than 0 कितने बार हम यूज कर चुके m greater than equal to gm पूरा तो सीक्वेंस एंड सीरीज इसमें ही था टू टू दी पर x ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो ये greater than equal to 2 होगा तो आप डालो m डालोगे तो टू टू दी पर x प्लस टू टू दी पर माइनस एक्स बाय टू ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन टू टू दी पावर एक्स इंटू टू टू दी पावर माइनस एक्स का रूट टू ये आपको वन दे देता है तो दिस वैल्यू मोर देन इक्वल टू टू कस्क्वायर का वैल्यू कस्क्वायर का रेंज माइनस वन वन जीरो टू वन जीरो टू वन इनटू टू लेस देन इक्वल टू टू जीरो टू टू तो ये लेफ्ट साइड लेस देन इक्वल टू राइट साइड मोर देन इक्वल टू टू इक्वल्स टू टू तो दोनों इक्वल होगा इक्वल टू टू ये कब इक्वल टू होता है राइट साइड कब इक्वल टू होता है For what value of x? X का value zero. Zero. That implies x equal zero. अब x ये जो x ये वही x है. हाँ sir. अब इसके जगह x के जगह zero डालो. Sir one आएगा. Satisfy करेगा तो solution. Satisfy नहीं करेगा तो no solution. Cos square zero आएगा. Cos square cos square की value one आएगी. If x equal to zero, that implies LHS is equal to two. हाँ सर सो LHS इज इक्वल टू RHS ओनली व्हेन x इज इक्वल टू जीरो और कोई सोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये टू आने के लिए बहुत सारे सोल्यूशन होंगे मतलब ये वन आने के लिए बहुत सारे सोल्यूशन है बट जो भी सोल्यूशन आएगा इसमें x फिर इधर सेटिस्फाई नहीं करेगा अदर देन x के जगह कोई भी जीरो रखोगे सॉरी अदर देन जीरो कुछ भी रखोगे ये वैल्यू मोर देन टू हो जाएगा ठीक है ना राइट साइड मोर देन टू हो जाएगा कोई भी एक्स का वैल्यू सिर्फ जीरो के लिए टू दे रहा है और ये व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो आपका कॉस जीरो ये वन हो रहा है इनटू टू टू हो रहा है तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस व्हेन इट इज
एक्स इक्वल टू जीरो। सपोज यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होता तो तब क्या होता? फिर वन बाई टू होता, तो फिर वो सर इक्वल नहीं होता, तो फिर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS होगा। हाँ सर, वो टाइम पर आपको क्या मिलेगा? नो सॉल्यूशन। यहाँ पे लकीली राइट साइड का जो एक्स के लिए आपका लेफ्ट साइड सेटिस्फाई कर गया, तो यू हैव ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, तो LHS इज इक्वल टू RHS ओनली व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, तो दिस इज द सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। समझा? हाँ, नहीं? हाँ सर। अब होगा ट्वेल्थ वाला। सर एक मिनट होगा। हाँ सर, एक सेकंड। सौरभ जब पहले से था अंदर, कौन सर? सौरभ। सौरव था सर, सौरभ नहीं था। फिर मालूम नहीं आके चाहता। स्पेलिंग कैसे? झा। आप लोग क्या संडे उठ नहीं पा रहे हो? नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऐसा थोड़ी सर, अभी तो आदत हो गई सर। हाँ वही सर, अभी आदत हो गई है जल्दी उठने की। सर नॉर्मल डेज पे छुट्टी रहता तो भी 7:30 को नींद उड़ जाते हैं। और क्या, आप सिर्फ क्लास ही स्टार्ट करो सर। ठीक है, और ट्वेल्थ में कुछ चाहिए क्या? और एक कर देता हूँ, cos 4 theta plus sin 5 theta equal to 2, वो कैसे करेंगे? क्या सर? ये क्वेश्चन है ना, cos 4 theta plus sin 5 theta equal to 2। How to solve? ये कब टू होगा? दोनों मैक्सिमम तो वन होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए सर। ये वन, ये भी वन होना चाहिए। हाँ सर, तो फोर थीटा इक्वल टू इक्वल टू जीरो और फाइव थीटा फिर भी इक्वल। तो कॉस फोर थीटा इज इक्वल टू वन वन एंड साइन फाइव थीटा इक्वल टू जीरो वन। सपोज 4 थीटा होता तो ये जीरो हो जाता, हम बोल देते कि नो सॉल्यूशन।
नो सॉल्यूशन। हाँ बट यहाँ पे 4 थीटा इधर 5 थीटा तो कभी कभी हो सकता है, ठीक है देखते होगा कि नहीं होगा। तो cos 4 थीटा 4 थीटा शुड बी इक्वल टू 0 ना। 4 थीटा कितना होगा? 4 थीटा शुड बी इक्वल जनरल वेक्टर जनरल ऑफ 2n plus 1 pi 2n pi 2n pi 2n pi थीटा क्या होगा? n pi by 2 n pi by 2 pi थीटा क्या होगा? मतलब ये वन होने के लिए आपका क्या चाहिए? 2k π + π/2 चाहिए। हाँ सर। तो इधर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जैसे n के जगह मैं 1 डाल रहा हूँ तो आपको सॉरी 0 डाल रहा हूँ तो आपका 5 थीटा का सेट कैसे मिलेगा? चेक करो, 0 डालेंगे तो क्या मिलेगा? 0 हाँ। 1 डालेंगे तो 5π/2 5π/2 कहाँ पे होता है? 2π + π/2 हाँ सर 2π पॉजिटिव एक्सिस 2π + π/2 मतलब इधर ही आएगा। हाँ 2 डालेंगे तो 5π/2 ओके 3 डालेंगे तो 15π/2 मतलब 7π + π/2 इधर आ रहा है। हाँ सर क्योंकि 7π मींस ऑड पाई, ऑड पाई होता है इधर, ऑड पाई प्लस पाई ठीक है। हाँ सर 4 डालेंगे तो 10π 5 डालेंगे तो 25π/2 अगेन इधर आ जाएगा। हाँ सर ऊपर वाले सेट में। इसका मतलब ये सेटिस्फाई हुआ, ये हुआ क्योंकि ये दो जगह क्या आ रहा है आपका साइन पॉजिटिव देगा। हाँ। यहाँ पे नहीं दे रहा है, इधर नहीं दे रहा है, इधर ये तो n पाई में तो नहीं देगा, 0π/5π/10π इसके लिए होगा। 15π/2 आपका नीचे रहा तो इधर -1 होता है। ओके ठीक है ये नहीं हुआ। देन कितना होगा? 15π ये नहीं होगा। देन 35π/2 ये नहीं होगा क्योंकि ये नीचे रहेगा। हाँ सर। देन 20π देन 45π/2 ये होगा। हाँ सर। इसका मतलब n की जगह आप क्या डाल रहे हो आपको मिल रहा है? इवन n की जगह 1 डाल रहे हो देन 5 डाल रहे हो ओके इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 9 डाल रहे हैं n इज इक्वल टू 5 n इक्वल टू 9 हां सर ये सब जगह पर आ रहा है। तो यहां पे n को क्या रखूंगा कि मेरा सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेगा? 4n + 1 Yes, 4k plus 1, n फिर मत करो। 4k plus 1, sorry. तो solution क्या होगा? जो n pi, यहाँ पे रखे ना? हाँ सर। हाँ। Theta is equal to n pi by 2, where solution is the? N is equal to 4. Where n is equal to 4k plus 1. चलेगा? अब डालो k के जगह 0 डालो तो आपको सेटिस्फाई कर गया। k के जगह 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 मिलेगा। 1 तो π/2 ये आंसर हुआ। π/2 पर क्या होगा? यहाँ पे 4 थीटा आ जाएगा आपका 2π तो देयर cos थीटा 1 होता है एंड 5 थीटा आपका भी 1 आ जाता है। LHS equal to RHS. Okay, sir. और k के जगह 1 डालेंगे तो n equal to 5. n equal to 5 मतलब 5π/2 पर when theta equal to 5π/2 ये 1 देगा 4 theta 5 theta भी sin का 5 theta भी 1 देगा। LHS equal to RHS. समझा? सर sin के terms में कर सकते हैं solve? हाँ कर सकते हैं। वो चेक करना पड़ेगा। आपका 5 theta क्या होगा? Sin theta 1.
थीटा क्या होगा? अब 4k प्लस 1 इनटू पाई बाय 2 ये था ना। हां तो थीटा क्या होगा? अपॉन 10 तो 4 थीटा क्या होगा? ए होगा बाय 5। हां ठीक है, तो आप चेक करना पड़ेगा कि ये कब आपको 4 थीटा क्या होना चाहिए, इवन पाई होना चाहिए। हां सर, वन आने के लिए ये इवन पाई होना चाहिए, दिस इवन पाई। इवन पाई मतलब आपका 4n प्लस 1 का क्या होना चाहिए, 10 4n प्लस 1 10 का मल्टीप्लिकेशन। ओके नहीं नहीं 10 का नहीं, 5 का मल्टीप्लिकेशन। देखो ना, 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई आ जाएगा। तो 4n प्लस 1 मस्ट बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 के। हां सर वही आया था, देखो ना। हां सर नीचे भी हम लोग ने वही किया था, नीचे तो वही आया था 5 थीटा इक्वल टू 4 4 के प्लस 1। हां सर हम क्या निकालेंगे इधर, 5 थीटा इक्वल टू 4 के प्लस 1 वही भी कर सकते हैं, समझा? हां सर। तो इसे ये सब क्वेश्चन ऐसे रहता है और होता है, ये हो गया आपका बाउंड्री वाला क्वेश्चन और एक इनइक्वालिटी क्वेश्चन जो हम अभी तक डिस्कस नहीं किए। इनइक्वालिटी क्वेश्चन कैसे करोगे? सपोज क्वेश्चन होगा सॉल्व साइन थीटा लेस देन इक्वल टू रूट 3/2। ठीक है, सॉल्व साइन थीटा लेस देन इक्वल टू रूट 3/2। तो आपको क्या करना है, 0 to 2π के अंदर आपको चेक करना है, 0 to 2π के अंदर साइन थीटा कहां पे रूट 3/2 से कम आ रहा है, इसके बाद सिर्फ रोटेट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसके लिए आपको ग्राफ लगेंगे, साइन थीटा का ग्राफ कैसे बनता है? वेव सर। हाँ अच्छा, ऐसे हुआ था। हाँ ये आपका वन था। हाँ वन था, रूट 3/2 से कम है ये, सपोज रूट 3/2 इसे द लाइन रूट 3/2 इससे कम है तो क्या होगा, मतलब कौन सा एंगल के लिए साइन थीटा का वैल्यू रूट 3/2 से कम होगा? सर पाई 60 से कम। सिक्स से कम, पाई बाय 3 से कम ना। हाँ सर पाई बाय 3 से कम, फिर और सर नीचे पूरा पाई 2 और एक वो साइड सर एक पाई ऐड करना है 2n। ये एंगल कितना होगा, कौन सा सर? 120 डिग्री ना, 120 डिग्री, 2π/3। 2π/3 से लेके 2π यहाँ तक, मतलब पाई बाय 0 to 2π। आप ऐसे देखोगे तो आपका ये देखो। हाँ सर वो तो समझ गए सर, ये पोर्शन में पाई बाय 3 से बड़ा होता, सॉरी रूट 3/2 से बड़ा होता है। हाँ सर, हाँ सर, बाकी ये पोर्शन आपका सॉल्यूशन में नहीं है, नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ आपका है सॉल्यूशन में, 2π/3 से लेके अप टू पाई बाय 3, 2π प्लस पाई बाय 3।
एवरीथिंग आपका क्या होगा रूट थ्री बाई टू से कम होगा ऐड क्यों किया आपने मतलब 2 पाई तक थोड़ी ना था 2 पाई प्लस पाई बाय 3 यहां तक पूरा था ना चार तो आप हां नहीं तो दो ये करोगे आप करोगे 0 से लेके पाई बाय 3 देन फिर 2 पाई बाय 3 से लेके 2 पाई ऐसे करोगे ना जो ये यहां पे क्या दिखा 0 से लेके पाई बाय 3 फिर 2 पाई बाय 3 से लेके पूरा 2 पाई तक सब कुछ क्या हुआ सर रूट 3 बाय 2 से कम होगा तो sin थीटा less than equal to root 3 by 2 implies theta belongs to what 0 se leke pi by 3 union 2 pi by 3 se leke 2 pi plus pi by ye to isko maine seedha aise likh diya aur aap likh sakte ho सीधा 2 पाई बाय 3 से लेके 2 पाई प्लस पाई बाय 2 पाई प्लस 2 पाई बाय 3 तक चलेगा ना क्योंकि हम जनरल निकाल रहे हैं ना ये सर आप ये लिखो कि ये लिखो दोनों सेम है अच्छा 2 पाई क्या हो जाता है कंप्लीट रोटेट करके फिर पाई बाय 3 सीधा सीधा मतलब ये क्या हुआ एक इंटरवल में दे दिया ये लिखोगे तो आपको दो इंटरवल दिखाई दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं आप ये लिखना चाहोगे भी गो फॉर दिस वन ठीक है तो मैं जितने बार रोटेट करके उधर पहुंच जाऊंगा तभी सेटिस्फाई करेगा हाँ सर ठीक है गो फॉर दिस वन तो आप जितने बार रोटेट करके फिर पहुंच जाओगे आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन फिर यहां तक फिर पाई बाय रूट थ्री बाई टू से कम होगा फिर यहां से लेके फिर इधर तक रूट थ्री बाई टू से कम होगा 10 बार रोटेट करके उधर पहुंच जाओगे तो फिर वही होगा कि नहीं यस अच्छा तो फिर क्या आंसर होगा जनरल सोल्यूशन क्या होगा क्या होगा कंप्लीट रोटेट करोगे कंप्लीट रोटेशन के लिए क्या यूज करोगे 0 टू 2 पाई वाला ना हाँ एक केस में नहीं नहीं कोई भी एंगल को हम कंप्लीट रोटेट करके उधर पहुंच जाते हैं उसको क्या लिखते हो उसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है देखो आपका ये जो एंगल रहा इसके अंदर आपका साइन थीटा रूट थ्री बाई टू से कम है ये आपका एंगल पाई बाई थ्री ठीक है रूट थ्री ये इंटरवल में हमेशा साइन थीटा रूट थ्री बाई टू से कम है तो ये इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है 2n पाई से लेके 2n पाई प्लस पाई बाय 3 सर 2n पाई से लेके 2n पाई प्लस पाई बाय 3 तक जनरल मतलब क्या है आप जितने बार रोटेट करके उधर पहुंच जाओगे हाँ सर ये इसका जनरल प्रिंसिपल वैल्यू हुआ 0 से लेके पाई बाय 3 तो जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 3 क्योंकि 2n पाई इधर देता है 2n पाई से लेके 2n पाई प्लस पाई बाय 3 दैट इज द जनरल सोल्यूशन समझा तो एक केस में जनरल सोल्यूशन क्या होगा 2n pi less than equal theta less than equal to 2n pi plus pi by 3 union
मतलब आप ऐसे लिख सकते हो थीटा बिलोंग्स टू 2n पाई से लेके 2n पाई प्लस पाई बाय 3 बहुत क्लोज, क्योंकि इंटरवल आपको यूज करना पड़ेगा यूनियन। इसका जनरल क्या होगा 2n पाई प्लस 2 पाई बाय 3 से लेके 2n पाई प्लस 2 पाई चलेगा। हाँ सर। सो दैट आपका जो दिस इज कॉल्ड 2n पाई से लेके 2n पाई प्लस पाई बाय 3 तक ये, और एक 2n पाई प्लस 2 पाई बाय 3 से लेके 2n पाई प्लस 2 पाई मतलब दिस वन, ये दो इंटरवल आपको मिला cos sin थीटा मोर देन इक्वल टू रूट 3 बाय 2 सॉरी लेस देन इक्वल टू रूट 3 बाय 2 सपोज मोर देन इक्वल टू रूट 3 बाय 2 होता तो आंसर क्या होता? वो उसके बीच में वो यही पोर्शन होगा। हाँ सर जो नहीं लिया वो ही रिपीट होता रहेगा। तो एक्चुअली इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा पाई बाय 3 से लेके 2 पाई बाय 3। हाँ सर। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा 2n plus 1 pi by 3 2n plus 1 pi by 3 2n pi pi plus 2n pi plus pi by 3 2 2n pi plus 2 pi by 3 2n pi plus 2 pi by 3 बहुत क्लोज समझा। हाँ सर। जस्ट आप 0 टू 2 पाई के अंदर जितने सारे सॉल्यूशंस आ रहे हैं उसको निकालो, जितने इंटरवल आ रहा है 0 टू 2 पाई के अंदर, इसके बाद ईच एंड एवरी इंटरवल के आगे 2n पाई ऐड कर दो, ईच एंड एवरी एंगल के आगे 2n पाई ऐड कर दो, यू विल गेट जनरल सॉल्यूशन। समझा? तो 2n पाई प्लस 2 पाई पाई बाय 3 आपका ये पोर्शन होता है, 2n पाई प्लस 2 पाई बाय 3 से लेके 2n पाई प्लस 2 पाई ये पोर्शन होता है, यहां तक होता है इतना। तो एक्चुअली मुझे देखा जाएगा तो यहां से लेके ये इधर तक हो रहा है, तो मैं इंटरवल को क्या लिख सकता हूं, ये इंटरवल को क्या लिख सकता हूं, मैं एक इंटरवल में लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा, मुझे ये तो पूरा दिखाई दे रहा है ना यहां से लेके इधर तक, तो क्या लिख देंगे 2n पाई प्लस 2 पाई बाय 3 यूनियन 2n पाई प्लस पाई बाय 3, बट यहां पे जो n होगा इसमें वो n नहीं होगा, उसका आगे के वाले n होगा। आप कोई ऐसा लिखे हुए तो क्या होता है थोड़ा कंसेप्चुअली ये गलत हो जाता है, इफ यू यूज n इक्वल टू 0, इफ यू यूज n इक्वल 0 आपको ये 2 पाई बाय 3 दिखाई दे रहा है, यहां पे 0 डालोगे तो ये पाई बाय 3 दिखेगा, तो इसका मतलब क्या होगा लोअर लिमिट आपका बड़ा दिखाई दे रहा है अपर लिमिट छोटा दिखाई दे रहा है। हाँ सर। बट ऐसा तो नहीं होता है, हम बोलते हैं कि थीटा बिलोंग्स टू ए टू बी, इसका मतलब क्या होता है ए को क्या बोलते हैं लोअर लिमिट, बी इज कॉल्ड अपर लिमिट। तो यहाँ पे जब एन 0 होता है यहाँ पे एन 1 होना चाहिए। हाँ तो सर उसमें, हाँ सर वही होगा ना सर 2n पाई प्लस 2 पाई प्लस पाई बाय 3 होता है। तो आप ऐसे लिखो चलेगा, सीधा एक एक इंटरवल निकालो 0 टू 2 पाई, आप एक के साथ जाओ 0 टू 2 पाई के अंदर आप जितने सारे इंटरवल आ रहे हैं सबको कलेक्ट कर लो, दैट इज योर प्रिंसिपल वैल्यू, इसके बाद ईच एंड एवरी एंगल के आगे 2n पाई लिख दो प्लस कर दो, समझा? यहाँ पे जैसे मैंने प्रिंसिपल वैल्यू मिला, नो दिस इज नॉट प्रिंसिपल वैल्यू, हाँ ये रूट 3 बाय 2 के लिए ठीक है प्रिंसिपल वैल्यू, मोर देन रूट 3 बाय 2 के लिए ये प्रिंसिपल वैल्यू। सपोज और एक क्वेश्चन, cos थीटा मोर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू हाफ रखते,
कि मोर देन इक्वल हाफ करते हैं, क्या होगा? इसका सोल्यूशन कैसे होगा? कॉस थीटा कहां पे मोर देन इक्वल हाफ होता है? थीटा लेस देन 2 ग्रेटर देन 60 लेस देन 60 हाँ लेस देन 60 दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस थीटा ना, ठीक है, मोर देन इक्वल हाफ चाहिए, कौन सा इंटरवल दे रहा है? हाँ मोर देन इक्वल हाफ कहां पे दिखाई दे रहा है? ये कौन सा एंगल होगा? मोर देन हाफ मतलब ए इंटरवल, फिर ए इंटरवल, ये कौन सा एंगल होगा? 2π - π/3 ठीक है, एक होता है आप देखोगे तो क्या होता है, मोर देन इक्वल टू हाफ 0 से लेके 60 तक, फिर यहाँ पे लेस देन हाफ होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, फिर इधर होगा, ये इंटरवल में कॉस थीटा क्या होता है? मोर देन इक्वल टू हाफ होता है, ये आपका 60 डिग्री, ये आपका -60 डिग्री, तो मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा मोर देन इक्वल टू हाफ, थीटा लाइज इन बिटवीन व्हाट, -π/3 से लेके +π/3 ठीक है ना, ये आपका होगा प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? नहीं कोई लिखेगा, मैं लिखता हूं 0 से लेके 60 देन 300 से लेके 360 वो भी लिख सकते हो, हाँ सर, 0 से लेके 60 π/3 यूनियन यूनियन 300 मतलब 5π/3 से लेके 2π कोई ऐसा लिखेगा वो भी होगा, दिस वन करेक्ट, दिस वन आल्सो करेक्ट, ठीक है, तो ये कौन सा इंटरवल मैंने रखा जो -π/+π ये इंटरवल क्या रखा 0 to 2π ओके सर समझा सर, आपकी वॉइस कट रही थी वापस इसके साथ व्हेन पाई वापस बोले ना सर, वापस वॉइस कट, वॉइस नहीं आपको आवाज नहीं आ रहा था ठीक, ओके एक मिनट cos theta equal more than equal to half, आपको दो इंटरवल मिल रहा है, मतलब आप डिसाइड करोगे आप कैसा इंटरवल ले रहे हो, कोई ले रहा है -π/3 आपका ये इंटरवल मिला, ठीक है ना, दिस इज -60° से लेके +60° तक, तो -π/3 से लेके +π/3 यू कैन कॉल दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू व्हेन यू सिलेक्ट -π/2 से सॉरी -π से लेके +π नहीं 0 to 2π कोई ले रहा है 0 to 2π तो आप लिख सकते हो 0 से लेके π/3 यूनियन 5π/3 से लेके 2π चलेगा, हाँ सर, तो इसके हिसाब से जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, -π/3 से आगे +2nπ कर दो, तो 2nπ - π/3 2nπ + π/3 नहीं कोई इसके साथ जनरल सॉल्यूशन निकालना चाहता है क्या होगा 2nπ + π/3
यूनियन 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 3 से लेके 2n पाई 2n पाई प्लस 2 पाई समझा आश ओके सर तो जो भी आपको प्रिंसिपल वैल्यू मिला प्रिंसिपल वैल्यू के ईच एंड एवरी एंगल के सामने प्लस 2n पाई कर दो यू विल गेट योर जनरल सॉल्यूशन डन ऊपर वाले क्वेश्चन में जो आपने बोला था लोअर लिमिट बड़ा हो जा रहा है अपर लिमिट से उसके लिए क्या करना था एक बार रिपीट कर सकते हैं इसके लिए ये करना इसके लिए क्या था ये चीज के लिए तो मैंने बताया था कि आप ये इंटरवल ले सकते हो हाँ ठीक है ये इंटरवल के लिए आप 2 पाई बाय 3 से पाई बाय 3 लिख नहीं पाओगे ना हाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा 2 पाई बाय 3 से लेके 2 पाई प्लस पाई बाय 3 तक लिखना पड़ेगा अच्छा ठीक है सर ये जो इंटरवल को ये इंटरवल यू कांट राइट 2 पाई बाय 3 कमा पाई बाय 3 दिस इज रॉन्ग ठीक है ना ये इंटरवल को आप लिखोगे 2 पाई बाय 3 से लेके 2 पाई प्लस पाई बाय 3 यस सर फिर इसके आगे प्लस 2n पाई कर दो हां दोनों के आगे हाँ सर तब चलेगा ठीक है सर ये ऐसे लिखोगे तो क्या होता है ये लोअर लिमिट बड़ा हो जाता है अपर लिमिट छोटा हो जाता है समझा कैसे हो रहा है यस सर ओके आप प्रोडक्ट बताओ सॉल्व टेन थीटा मोर देन इक्वल टू वन सॉल्व करो क्या मिलेगा सर 45 से 90 एक सेकंड सर सर एक सॉरी
सर 2n पाई प्लस पाई बाय 4 टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2 यूनियन 2n पाई प्लस 5 बाय 4 टू 2n पाई प्लस 3 पाई बाय 2 वन सेकंड 2n पाई प्लस पाई बाय 4 कॉमा 2n पाई प्लस पाई बाय 2 यूनियन इंटरवल इंटरवल सर मैं बताऊं हां मैं बताऊं शांति सर मैंने चार्ट में भी जाओ 2n pi plus pi by 4, 2n pi plus pi by 2, both closed. हाँ, union. 2n pi plus 5 pi by 4. Okay. Comma, 2n pi plus 3 pi by 2. 3 pi by 2. हाँ सर, मेरा भी same है, मैंने add नहीं किया बस. 3 pi by 2, bracket, square bracket. हाँ. आप लिखे union 2n pi प्लस 2 पाई प्लस पाई बाय 4 2 पाई क्यों होगा 2 पाई करेगा तो फिर रोटेट कर जाएगा आप लिखे ये बराबर लिखे इसमें लिखे कि 2n पाई प्लस 2 पाई प्लस पाई बाय 4 2n पाई प्लस 2 पाई प्लस पाई बाय 4 मतलब ये फिर वही चीज आ गया हां सर हां सर कोई भी एंगल में 2 पाई ऐड करोगे तो वही आ जाता है ना फिर तो वही सेम मैजिक हाँ सर वो निकालना इज इट एनी चेंजेस एनीथिंग सर 2n पाई के बदले सिर्फ n पाई आएगा n पाई प्लस 5 बाय 4 n पाई प्लस आगे क्या है नहीं सर सॉरी सब जगह n पाई करने बोल रहा है क्या नहीं और क्या समर्थ क्या करेंगे और कुछ है नो सर सबको यही लग रहा है सबको यही लग रहा है सर ओपन ब्रैकेट होना चाहिए ना 2n पाई प्लस पाई बाय 2 पे और 2n पाई प्लस 3 पाई बाय 2 पे क्या होगा ओपन ब्रैकेट क्योंकि वो इनफिनिटी पे जा रहा है वेरी गुड ये गलत है आपका इधर ओपन ब्रैकेट होना चाहिए कोई भी ऑड पाई बाय 2 पर tan अनडिफाइंड होता है तो ये जो लिखे वो दैट इज करेक्ट बट इंटरवल गलत है आपका पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 आ रहा है बट पाई बाय 2 को टच नहीं करेगा ये होगा और एक इंटरवल उसके इमेज वाला होगा ये पार्ट ओके सर ओके तो थीटा बिलोंग्स टू 2n पाई प्लस पाई बाय 4 टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2 ये क्लोज होगा ये ओपन होगा यूनियन 2n पाई प्लस पाई पाई बाय 4 टू 2n पाई प्लस 3 पाई बाय 2 ये ओपन होगा ये क्लोज होगा क्योंकि क्लोज करोगे तो आपका वो एंगल पर पहुंच रहे हो वो एंगल पर पहुंच जाओगे तो फिर टाइम अनडिफाइंड होगा ओके सर
और समर्थ कुछ बोल रहा था बट बोल नहीं पाया, दैट इटसेल्फ एन पाई प्लस पाई बाय फोर से लेके एन पाई प्लस पाई बाय टू, दिस वन ऑल्सो करेक्ट, चेक करो ये दोनों कोई आता है, एन के जगह जीरो डालो, पाई बाय फोर, पाई बाय फोर से लेके पाई बाय टू मिला, वन डालो एन के जगह वन डालोगे तो पाई प्लस पाई बाय फोर से लेके पाई प्लस पाई बाय टू ये मिला, हाँ सर, फिर टू डालोगे तो ये मिल जाएगा, थ्री डालोगे तो ये मिल जाएगा, अच्छा ओके, हाँ सर, हाँ सर, दिस वन करेक्ट, दिस वन आल्सो, समझ डर गया बाद में बोला ना उसको बोलने तो ठीक है। नेक्स्ट टाइम कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन करेंगे, बाकी एक्सरसाइज वन इज योर होमवर्क। ओके सर, ओके, चलो, थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय।